सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बगल में दिए हुए घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ टेक्नो कैमन i4 स्मार्टफोन की। एक लेटेस्ट स्मार्टफोन आया है टेक्नो कंपनी का और इसमें बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है। बताऊंगा आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन और कैमरा टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों जल्दी से स्मार्टफोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके फीचर्स और कैमरा टेस्टिंग भी लास्ट में करूंगा मैं। दोस्तों आपके सामने आ गया कैमन i4 टेक्नो कंपनी का है। इसके बहुत सारे मोबाइल फ़ोन मैंने अनबॉक्स और रिव्यू किए हैं और अभी तक ये मार्केट में टिका हुआ है, यानी जबरदस्त फ़ोन आते रहते हैं इसके ये फ़ोन। और ये जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ ये सब टेक्नो कंपनी के इसी फ़ोन से मैं बनाता हूँ। मतलब इसका मेरा मॉडल नंबर अलग है, टेक्नो कैमन i3 है और ये है टेक्नो का कैमन i4। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स सुनने को मिले थे कि काफ़ी सारे फीचर्स हैं, फ़ोन देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है इस फ़ोन की। तो देख लेते हैं 6.2 इंच की डॉट नोच डिस्प्ले का मतलब यही हो गया, ड्यू ड्रॉप फुल नोच डिस्प्ले है, यानी फुल व्यू डिस्प्ले है। और पीछे बैक में 3 कैमरे दिए गए, यानी ट्रिपल कैमरा है इस फ़ोन में। एक 13 मेगापिक्सल का है, एक 8 मेगापिक्सल का और एक है 2 मेगापिक्सल का। फ़ोन के बॉक्स पर लिखा हुआ है 11,499, लेकिन ये आपको ऑनलाइन 10,500 और 10,000 के बीच में आराम से मिल जाएगा। कई सारी वेबसाइट पर 11,000 में लिस्टेड है, कई पर 10,500 है और मार्केट में अलग अलग दाम है, जैसा जितना आप नेगोशिएशन कर सकें। या ऑनलाइन लेना है तो कम से कम किसी सेल में ज़रूर ले। तो दोस्तों ये वाला फ़ोन है और इसमें 3500 mAh की बैटरी है, जी सेंसर है, एम्बियंट लाइट सेंसर है और भी है बहुत सारी चीज़ें। 2GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये वाला फ़ोन आ रहा है। आप अलग से इसमें 256GB तक का SD कार्ड लगा सकते हैं। दोस्तों इसकी जो सबसे खास बात मैं बताता हूँ, वैसे तो ये फ़ोन पूरी तरह से ही खास है, लेकिन इसमें सेल्फी कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल और बैक में जो कैमरा है और सेल्फी में जो कैमरा है उसमें ज़बरदस्त क्वाड कोर LED लाइट दी हुई है, सेल्फी की तरफ भी और बैक की तरफ भी। ये बैक है बहुत ही शानदार दिख रहा है देखने में और इस पर केवल ये पॉली बैग चढ़ा हुआ है जिस पर टेक्नो लिखा हुआ है और जिसके नीचे टेक्नो लिखा हुआ है। तो इसको हटा देंगे तो फ़ोन और लुक्स अच्छा हो जाएगा और बाकी वैसे ही आपको सही दिख रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस फ़ोन को देख के। और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, साथ में 3 कैमरे दिए गए हैं, 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का। तो ये फ़ोन को साइड में रख देते हैं, अभी स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। कैमरा टेस्टिंग भी होगी इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें हैं कंटेंट। तो सबसे ऊपर आपको मिलता है एक बैक कवर जो बहुत ही यूनिक है और उस पर मतलब वाइट तो है वो, लेकिन उस पर धारियां निशान बने हुए हैं। एक सी टाइप केबल आपको मिल जाती है, जैसे कि आपको हर स्मार्टफोन में मिलती है सी टाइप USB केबल और एक चार्जर। जहां तक बात है ये फास्ट चार्ज होगा क्योंकि 10,000 से ऊपर का फ़ोन है। देख लेते हैं क्या है। और चार्जर बहुत ही अच्छा बनाया है, रियलमी के जैसे चार्जर आते हैं, ओप्पो के जैसे चार्जर आते हैं उसी तरह से कुछ चार्जर है ये। और देखते हैं टेक्नो की ब्रांडिंग भी है और ये चार्जर टू एम्पियर का चार्जर है, यानी फुल ये एक तरह से फास्ट चार्ज है। फास्ट चार्ज साथ में दिया हुआ है एडेप्टर और ये है सिम ट्रे निकालने वाली पिन साथ में दी हुई है जिससे आप सिम ट्रे निकाल सकते हैं। और इस बॉक्स के अंदर मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता कि और कुछ है। साथ में ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें वारंटी कार्ड है और कैमन आई और फ़ोन के बारे में कुछ नॉलेज है। तो अगर आप इसकी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ लीजिए। और ये 12+1 मंथ्स की वारंटी, जब से टेक्नो कंपनी के फ़ोन लॉन्च हुए हैं तभी से इस तरह की वारंटी चलती है, यानी 13 महीने की वारंटी देता है टेक्नो और आपको 1 साल यानी 365 दिन
स्क्रीन रिप्लेसमेंट देता है अपने हर स्मार्टफोन पे, इस पे भी है और हर स्मार्टफोन पे स्क्रीन डैमेज रिप्लेसमेंट रहती है वन टाइम। तो ये देख लीजिए काफ़ी मजबूत है और सही है, सही से बनाया गया है और पीछे भी लाइनिंग है। आप रखते हैं साइड में, फ़ोन को देख लेते हैं, स्टार्ट करके कैमरा भी देख लेते हैं और सारी चीज़ें कैसी है। तो ये देखिए आगे से इस तरह दिख रहा है, ड्यू ड्रॉप नोच डिस्प्ले है, फुल व्यू डिस्प्ले है एक तरह से। अभी स्टार्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कितना स्पेस है पूरी डिस्प्ले पे। ये साइड में तीन बटन दिए गए हैं, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का बटन है, घटाने बढ़ाने का, और एक ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, तो ये भी यूनिक है। और ईयर पीस और चार्जर लगाने का जैक नीचे ही दिया गया है एक ही तरफ। अब मोस्टली ऐसे ही फ़ोन आ रहे हैं जिसमें 3.5 mm का जो जैक है वो भी नीचे ही दिया है, पहले ऊपर आ रहे थे। और एक साइड में सिम ट्रे है, यानी तीन स्लॉट की सिम ट्रे है, एक एसडी कार्ड लगेगा और दो लगेंगे सिम कार्ड। 4G वोल्टी फ़ोन है, ड्यूल 4G है, यानी दो सिम आप 4G चला सकते हैं इसमें। जियो की दो सिम चला सकते हैं, एयरटेल की चलानी एयरटेल चलाइए। 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आ रहा है, और अलग से 256 GB तक का एसडी कार्ड लगा सकते हैं। तो फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इस फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। तो ये स्टार्ट हो गया टेक्नो पावर्ड बाय एंड्रॉयड। एंड्रॉयड पे, एंड्रॉयड का इसका लेटेस्ट वर्जन है 9.0 Pi वर्जन पे है ये एंड्रॉयड के। और मैंने आपको बता दिया 3700 mAh की बैटरी है इसमें। साथ ही जितने भी स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशन आती हैं 8000 से ऊपर के स्मार्टफोनों में, वो सारी ही चीज़ें इसके अंदर है। तो ये देखिए फुल व्यू स्टार्ट हो गया और बहुत ही क्लियर कट फुल व्यू है। दोस्तों मैं इसको बता दूं कि 11500 रुपये MRP इस पर लिखी हुई है, तो ये कहीं किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे 11000 लिस्टेड है, किसी पे 10500 है। आप इसे सेल के दौरान अच्छे कीमत में 10000 रुपये में ख़रीद सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो ये देखिए अब इसको ओपन करते हैं ज़रा और देखते हैं कैसा चलता है ये। तो बहुत ही प्यारा और स्मूथ स्वाइप है इसका, डिस्प्ले टच भी बहुत अच्छी है, टच अच्छा है। और आप देख रहे हैं एक तरह फुल व्यू डिस्प्ले है नोच के साथ, जिसको आजकल डॉट नोच डिस्प्ले भी कहते हैं, ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले भी कहते हैं। तो बहुत ही शानदार इसका डिस्प्ले है। आप फ़ोन को कैमरे को ऑन कर लेते हैं तो ये नीचे वाला कैमरा, नीचे में तीन कैमरे दिए गए हैं, एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और दो अलग अलग तरीके, एक फ़ोटो, एक टेलीफोटो वाला कैमरा है जो है 5 MP का है, और एक है 8 MP का सिंपल कैमरा। तो ये देखिए फ़ोन वहाँ रखा है फिर भी आपको इमेज इस फ़ोन में पूरी दिखाई दे रही है, और फ़ोन के अंदर जो फ़ोटो है जो वीडियो आ रही है नॉर्मल उस फ़ोन से ज़्यादा क्लियर और कलर क्लियरिटी आ रही है। तो ये देख लीजिए काफ़ी शानदार है। बैक कैमरा, तीन कैमरे दिए गए हैं अलग अलग यूजेज के लिए। तो तीनों कैमरे के वैसे अलग काम होते हैं, ट्रिपल कैमरे के अलग काम होते हैं, लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है तीनों कैमरे के क्या क्या अलग अलग काम हैं और किस फ़ोटो के किस वीडियो को खींचने के लिए कौन से कैमरे का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आपके सामने इसकी सारी चीज़ें आ गई। और जिस जिसके पास ये वीडियो हो वो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को। अगर ये फ़ोन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, बुरा लगा है तो भी कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेगी सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही साथ बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि आपका ही चैनल है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।